हेलो एवरीवन, मैं शुभम कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अन अकेडमी इंद्रधनुष पर। जैसा कि आपको पता है, 10 PM पे मैं रोज SSC CGL 2023 के लिए रणनीति बैच लेके आ रहा हूँ। हमारा अब तक 15 क्लास हो चुका है, 16वां दिन है आज। ठीक, टारगेट क्या है? 60 डेज में 60 पेपर कम्प्लीट करने का इन मॉक फॉर्म लोडेड विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं अपना परिचय देता हूँ, मैं शुभम कुमार, SSC CGL 2021, ऑल इंडिया रैंक 15। ठीक है, 7 AM पे मैं CHSL के लिए आता हूँ रोज लाइव, तो आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। 10 PM पे CGL के लिए, चूंकि CHSL CGL का सिलेबस सेम ही है, तो आप किसी भी तरह का दोनों बैच अटेंड कर सकते हैं। ठीक, SSC के इतिहास में अन अकेडमी के द्वारा बिगेस्ट रिजल्ट रहा है इस बार। SSC CGL 2022 में 1000+ सिलेक्शन हुआ है। टॉप 50 में ही हमारे 2 से ज़्यादा लोग हैं, टॉप 100 में 3 से ज़्यादा लोग हैं और टॉप 1000 में 5 से ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, हमारे टॉपर्स को आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर SSC CHSL 2023 एग्जाम के लिए लक्ष्य बैच लाया जा रहा है 8 जून से। ठीक, 8 जून से लक्ष्य बैच लाया जा रहा है। क्या क्या कवर किया जाएगा कोर्स के अंदर आप देख सकते हैं हमारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। ठीक, इसके बाद SSC CPO 2023 एग्जाम के लिए एम बैच लाया जा रहा है, 8 जून से स्टार्ट है। क्या क्या कवर किया जाएगा वो आप देख सकते हैं हमारे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। नोट्स फॉर SSC एग्जाम के लिए अन अकेडमी किन किन चीज़ों का खास ख्याल रखती है ताकि स्टूडेंट को बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, वो आप देख सकते हैं। SSC के नोट्स आप कहाँ फाइंड करेंगे? अन अकेडमी ऐप पे। तो अन अकेडमी ऐप पे 4 सिंपल स्टेप है, ये 4 सिंपल स्टेप फॉलो करके आप अन अकेडमी के नोट्स फाइंड कर सकते हैं SSC के। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्दी से जल्दी अन अकेडमी सब्सक्राइब करें, सब्सक्रिप्शन ले लें आप लोग। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए, ट्रिगोनोमेट्री का बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका। CGL 2021 के अंदर ये प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोल कह रहा है कि कॉट ए इक्वल टू 15/8, तो पूछ रहा है टेन टू ए का वैल्यू। एक बात बताइए, टेन टू ए का आपको फॉर्मूला पता होगा, 2 tan A/1 - tan²A। ठीक, तो यहाँ पर से कॉट ए का वैल्यू 15/8 है, तो यहाँ से टेन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8/15। इसको पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो इसका आंसर निकल जाएगा 2 × 8/15 डिवाइडेड बाई 1 - 8/15 को होल स्क्वायर, तो 88 64, 15 15 है 225। ठीक, तो ये कितना हो गया? 16/15, और ये इंटू 225, और ये कितना आएगा? 225 - 64, तो 225 - 64 कितना होता है? 1 12 में से 6 हो गया 6 161। ठीक, तो अब काट दीजिए 15 से 15 मतलब 25, 16 × 15 कितना होगा? 240/161, 240/161। ठीक, ऑप्शन बी क्लियर है। ठीक, अगर जो आपको टेन टू ए का फॉर्मूला नहीं याद है तो टेन टू ए का फॉर्मूला याद रख लीजिए। ठीक, एक फॉर्मूला और बता देता हूँ टेन का, टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 - tan A tan B होता है। ठीक, तो यही सेम फॉर्मूला में अगर जो ए प्लस बी की जगह 2A कर दे, तो ए प्लस ए और इसको लगाइए, तो क्या होगा? टेन ए प्लस टेन ए तो 2 tan A, और 1 - tan A × tan A तो 10²A, तो सेम फॉर्मूला यहीं से ही आता है। ठीक, तो आप इन दो फॉर्मूला को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का। बोल कह रहा है कि एक दुकानदार के पास 2220 kg चावल है, जिसका एक भाग वह 20% के लाभ पर और शेष 12% के लाभ पर बेचता है, उसे कुल लाभ का 18% लाभ होता है। उसे कुल 18% लाभ होता है, सीधा सीधा ये समझिए, 12% के लाभ पर बेची गई मात्रा। ये देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का जरूर है, पर इसको आप एलिगेशन से बनाएंगे इजिली बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस से कैलकुलेट करने जाएंगे कैलकुलेशन बहुत होगा। अब बोलिए कि एक भाग, मान लीजिए फर्स्ट पार्ट, वो 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है कि वो 12% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत? और इसका जो कुल लाभ, मतलब कि दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट मिला, वो कितने परसेंट का मिला? 18% का। तो यहाँ से ये देखिए कितने का गैप है, 18 - 12 = 6, और ये 20 - 18 = 2। तो ये जो हमारा रेशियो होता है वो इसके क्वांटिटी के रेशियो के बराबर होता है, आपको पता है। बस सिंपल सा कंसेप्ट यही है एलिगेशन का कि जो मतलब कि पहला पार्ट का प्रॉफिट लिखेंगे, दूसरे पार्ट का प्रॉफिट लिखेंगे और कंबाइंड वाला लिखेंगे, और इसको माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद जो इन दोनों का रेशियो आएगा वो इनके क्वांटिटी का रेशियो आता है। मतलब फर्स्ट क्वांटिटी और सेकेंड क्वांटिटी का जो रेशियो हो गया वो 6:2 अर्थात 3:1 में है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है?
तो बोल क्या रहा है कि 12% लाभ पर बेची गई मात्रा, 12% मतलब आपको सेकंड पार्ट ज्ञात करना है। एक बात बताइए टोटल कितना है, 2220 केजी, और उसमें कितना फर्स्ट पार्ट 3 सेकंड पार्ट 1, तो टोटल कितना है 4 पार्ट बराबर 2220। तो यहाँ क्या 12% मतलब कि सेकंड वाला निकालना है, एक पार्ट निकालना है, एक पार्ट निकालने के लिए भागा दे दीजिए, 4 5 20 4 5 20 4 5 20 555 केजी, ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी देखिए, अलजेब्रा का बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपसे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू व्हाट, ये पूछ रहा है आपको। दिया हुआ क्या है, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि आपको ए प्लस बी इक्वल टू 2 दिया हुआ है, दूसरा आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आप इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए। तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी ए बटा बी प्लस बी बटा ए, तो ए बी नीचे से एलसीएम ले लीजिए इन दोनों का, तो ये बी से बी, तो ए स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, प्लस ए से ए कट जाएगा, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा ऊपर इक्वल टू 1। मतलब क्या हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। ए बी को इधर ले आए तो अब ये देखिए आपके पास क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अलजेब्रा में मैंने बता रखा है, सिर्फ ध्यान देना है आपको। अब आपको अगर जो ये फॉर्मूला याद होगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो एक बात बताइए आपका ये सेम नहीं आ गया है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, जब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर 0 आ गया, तो ए प्लस बी कुछ भी रहने दीजिए, ये इसका इफेक्टिव कितना आएगा, 0 ही आएगा। ऑप्शन क्या होगा, एक, किसी को कोई डाउट है? ठीक, आगे बढ़ते हैं चार नंबर क्वेश्चन पे। चार नंबर क्वेश्चन में आपका क्या बोल रहा है कि एक कुत्ते ने 280 मीटर की दूरी पर एक बिल्ली को देखा। मान लीजिए कि एक डॉग है और एक कैट है, तो उनके बीच की दूरी कितनी मीटर है, 280 मीटर। एक कुत्ता जो है, डॉग जो है, कैट को 280 मीटर के डिस्टेंस पे देख रहा है, बिल्ली 10 किलोमीटर प्रति गति से दौड़ना चालू की, कैट जो है 10 km/h से दौड़ना स्टार्ट किया, और कुत्ता जो है वो 24 किलोमीटर के गति से दौड़ रहा है, 24 km/h की गति से दौड़ रहा है। तो बोल रहा है कुत्ता बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लेंगे। ठीक, एक बात बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको हमेशा बता रखा है कि स्पीड जो आप लीजिएगा ना, वो नेट स्पीड या इफेक्टिव स्पीड या क्या बोलते हैं उसको, तुलनात्मक गति बोलते हैं। ठीक, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, कुत्ते की गति है 24 और बिल्ली की गति है 10, तो रिलेटिव स्पीड दोनों एक दिशा में दौड़ रहे हैं, तो मतलब कि रिलेटिव स्पीड घट जाएगा, तो 24 - 10 मतलब कि 14 km/h की रिलेटिव स्पीड हो रही है। ठीक, आपका डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, तो टाइम नहीं निकाल लेंगे, टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बटा स्पीड पर एक मिनट। डिस्टेंस आपका 280 मीटर है और यह स्पीड km/h है, तो या तो आप डिस्टेंस को किलोमीटर में बदलिए, नहीं तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, तो किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 14 × 5/18 ये कितना हो जाएगा, 7 35/9 m/s। डिस्टेंस कितना, 280 डिवाइडेड बाई 35/9, तो जो 9 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, ये टाइम लगेगा इतना सेकेंड, काटिए 7 5 35 7 4 28 25 48 8 9 72 सेकेंड। ठीक, 72 सेकेंड को जब आप मिनट में चेंज कीजिएगा, तो 60 सेकेंड का एक मिनट, एक मिनट और 12 सेकेंड का 12/60 1/5 मतलब कि 0.2 मिनट, तो कितना आ जाएगा, 1.2 मिनट। ऑप्शन सी, किसी को कोई डाउट है चार नंबर प्रश्न का? ठीक है, बहुत प्यारा कंसेप्ट था टाइम एंड डिस्टेंस का। आगे बढ़ते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट एम टू ए सर्कल विच मीट्स द सर्कल एट टी सच दैट एम टी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ए सेकेंड एम ए वी इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट पी ए एंड बी इफ एम ए इक्वल टू 8 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो ये सब कंसेप्ट जो है ना, छोटा छोटा कंसेप्ट है सर्कल का, उसको आप हमेशा याद रखिए। बोल क्या रहा है कि एक बिंदु M से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, स्पर्श रेखा की जा रही है मतलब कि M जो है बाहर का पॉइंट है। ठीक, ये क्लियर है। अब क्या बोल रहा है कि जो वृत्त को टी पर स्पर्श करती है, एम से खींचा गया है जो वृत्त को टी पर स्पर्श करती है। ठीक, वृत्त को टी पर स्पर्श करती है,
अब क्या बोल रहा है कि एम टी इक्वल टू 12, एम टी आपको दिया हुआ है 12। बोल रहा है कि एक छेदक एम ए बी वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है, एक छेदक रेखा पारी है, या सेकेंड बोलते हैं इसको एम ए बी, जो वृत्त को दो बिंदुओं ए बी और बी पर काट रही है। एम ए दिया हुआ है आपको 8 सेंटीमीटर, एम ए दिया हुआ है आपको 8 सेंटीमीटर, तो जीवा ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई आप एक्स मान लीजिए। देखिए जब भी ऐसा कंडीशन बने कि एक सर्कल है, एक टेंजेंट है और एक छेदक है, तो ये अगर जो पी टी टेंजेंट है और पी ए पी बी छेदक रेखा है, तो एक आप ये इसका एप्लीकेशन निकलता है पी टी स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ये थ्योरम है, इसको आप हमेशा याद रखिए। और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसा कि ये क्वेश्चन आपका सीजीएल 2022 प्री का क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन को कभी भी एग्जाम में मत छोड़िए, क्योंकि बाकी सब लोग बनाएंगे, आपको अगर जो नहीं पता होगा तो फिर ये नुकसान है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एम टी बराबर हम लिख सकते हैं एम ए इंटू एम बी, एम टी का स्क्वायर बराबर, एम टी का स्क्वायर कितना हो गया 12 का स्क्वायर, एम ए कितना हो गया 8, एम बी कितना हो गया 8 प्लस एक्स, एम बी हो गया ना एम ए प्लस ए बी, तो 8 प्लस एक्स, 8 से काटिए 144 को, तो कितना बार में कटेगा, 8 से काटिए 44 को, क्या होता है 8 से काटिए 44 को, तो ये 12 बारह 8 से 4 तिया 12 और 2 छक्का 12, तो 6 तिया 18 बचेगा। 18 इक्वल टू 8 प्लस एक्स, एक्स क्या आ गया 18 माइनस 8 बराबर 10, क्या आ गया ए बी आपका पूछ रहा था, ए बी आ गया 10, ठीक, ऑप्शन बी। किसी को कोई दिक्कत है 5 नंबर प्रश्न तक, कोई भी दिक्कत रहे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा जरूर। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका पी दिया हुआ है, अलजेब्रा का एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन, पी का वैल्यू दिया हुआ है, पूछ रहा है आपसे पी का पावर 6 प्लस पी का पावर 4 प्लस पी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई पी क्यू। एक काम कीजिए, सबसे पहले इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए, तो पी के पावर 6 को पी के पावर 3 से डिवाइड करेंगे, तो जब पावर को डिवाइड करते हैं तो पावर माइनस हो जाता है, 6 माइनस 3 P3 हो जाएगा। पी के पावर 4 को पी के पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 माइनस 3 पी का पावर 1 बचेगा। पी स्क्वायर को पी के पावर क्यू से डिवाइड करेंगे तो 1 बाई पी हो जाएगा, और प्लस 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 बाई पी क्यू। मतलब आपको क्या निकालना है, पी प्लस 1 बाई पी निकालना है और पी क्यू प्लस 1 बाई पी क्यू निकालना है, ठीक। आपको पी दिया हुआ है तो यहाँ से आप 1 बाई पी नहीं निकाल सकते हैं, पी का वैल्यू जब दिया हुआ है 7 प्लस 4 रूट 3, तो आप 1 बाई पी निकाल लीजिए, 1 बाई पी क्या हो गया 7 1 बाई 7 प्लस 4 रूट 3। तो इसको निकालने के लिए कंजुगेट से गुना कीजिए, तो ऊपर भी गुना 7 माइनस 4 रूट 3 से, नीचे भी गुना 7 माइनस 4 रूट 3 से, ये क्या हो जाएगा, ऊपर बचेगा आपका 7 माइनस 4 रूट 3, नीचे क्या बचेगा 7 का स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, 7 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर, तो 4 रूट 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 चौके 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो ये 49 माइनस 48 बराबर 1, तो ये क्या आ गया 1 बाई पी आ गया आपका 7 माइनस 4 रूट 3। तो यहाँ से आप सबसे पहले पी प्लस 1 बाई पी निकाल लीजिए, पी प्लस 1 बाई पी क्या हो जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3 प्लस 7 माइनस 4 रूट 3, तो आपका पी प्लस पी, पी प्लस 1 बाई पी हो गया 7 × 2 = 14। और जब p प्लस 1 बाई पी पता लग गया तो पी क्यू प्लस 1 बाई पी क्यू कितना होगा 14 का क्यूब माइनस 3 × 14, ठीक। अब इसको सोल्व कीजिए, ठीक, 14 कॉमन ले लीजिए, तो ये 14 का स्क्वायर आपको पता है 196 माइनस 3, मतलब 14 × 193 गुना कर दीजिए, 193 × 14, 193 × 10 1930, अब 3 चौके 12, 19 चौके 76 और 177, ये कितना हो जाएगा 2 7 3 10 9 7 16 1 17 1 1 2, 2702। तो पी क्यू प्लस 1 बाई पी क्यू आ गया 2702, पी प्लस 1 बाई पी आ गया है आपका 14, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 2702 प्लस 14, मतलब 2716, ऑप्शन सी क्लियर है, कोई डाउट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, त्रिकोणमिति का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पूछ रहा है आपसे, आपको दिया हुआ है 2 sin θ + 15 cos²θ = 7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan θ + cos θ + sec θ, ठीक।
तो इस टाइप का क्वेश्चन में जनरली क्या होता है कि एक साइन थीटा दिया हुआ है, एक कॉस थीटा दिया हुआ है। अगर जो आप कॉस को साइन में या साइन को कॉस में चेंज कर दीजिएगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होगा, उसको सॉल्व कीजिएगा तो वहां से थीटा का वैल्यू आपको पता लग जाएगा। ठीक, तो एक बात बताइए, ये आपको दिया हुआ है 2 sin θ + 15 cos² θ, तो यहाँ पर किसको चेंज करना इजी होगा, cos² θ को या साइन थीटा को? आप कहिएगा कि साइन थीटा को चेंज करेंगे तो √1 - cos² θ होगा, अब रूट का वैल्यू हो जाएगा, फिर इधर बिंदु, तो ये थोड़ा सा बहुत लेंदी हो जाएगा। पर अगर जो आप cos² θ को चेंज करते हैं तो ये क्या होगा, 1 - sin² θ, रूट का झमेला नहीं है, तो इसको चेंज कर लेते हैं, ये हो गया 2 sin θ + 15 × 1 - sin² θ = 7। ठीक, ये कितना हो गया, 2 sin θ + 15 - 15 sin² θ = 7। अब चूंकि यही हमारा माइनस में आ रहा है तो ये सबको ये साइड कर लीजिए, ये तीनों को ये साइड कर लीजिए तो ये प्लस में हो जाएगा, तो क्या होगा, 15 sin² θ प्लस में, 2 sin θ प्लस वाला इधर जाएगा तो -2 sin θ, और 7 में से 15 जाएगा तो ये कितना बचेगा, -8 = 0। अब क्वाड्रेटिक सोल्व कीजिए, मान लीजिए कि ये साइन थीटा एक्स है तो ये क्या बचेगा, 15x² - 2x - 8। तो अब देखिए 15 8 20 से आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इसको इस ढंग से तोड़िए कि ये इन दोनों के गुणनफल के बराबर आए, तो मतलब 15 8 120। आप 2 sin θ को इस ढंग से तोड़िए कि वो 120 आ जाए, तो एक बात बताइए, आप इसको 12 और 10 में तोड़ सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 15 sin² θ - 12 sin θ + 10 sin θ - 8 = 0। यहाँ से अगर जो 3 sin θ कॉमन ले ले तो ये कितना हो जाएगा, 5 sin θ - 4, प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले ले तो 5 sin θ - 4। यहाँ से साइन थीटा का 2 वैल्यू आएगा, 5 sin θ - 4 = 0, तो sin θ = 4/5, और ये 3 sin θ + 2 = 0, तो sin θ = -2/3, क्योंकि थीटा जो है 0 से 90 के बीच में है तो इसलिए माइनस वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो साइन थीटा का वैल्यू आ गया 4/5। अब एक ट्रायंगल लीजिए जिसमें इसको एंगल थीटा लीजिए, तो साइन थीटा क्या होता है, पर P/H, तो H है 5, P है 4, बेस कितना हो जाएगा, 3 3 4 5, ट्रिपलेट है, पूछ क्या रहा है, tan θ + cos θ + sec θ, tan θ कितना है 4/3, प्लस cos θ कितना है B/H, मतलब 3/5, प्लस sec θ क्या है 5/3। ठीक, तो ये 4 5 9/3 कितना हो जाएगा, 3 + 3/5, ये कितना, 5 3 15 3 18/5, या फिर 3 पूर्णांक 3/5, ऑप्शन डी। क्लियर है सभी को, 7 नंबर क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक डीलर किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और उसे एक ग्राहक को बेचता है, अंकित मूल्य पर 20% और 25% की 2 क्रमिक छूट देता है, यदि उसे ₹140 की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। सबसे पहले तो ये देखिए कि लागत मूल्य क्या होगा, कॉस्ट प्राइस किसी भी चीज का कितना होगा, 100%। बोल क्या रहा है कि लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस कितना होगा, 100 + 40 = 140%। अब क्या बोल रहा है कि उसे एक ग्राहक को बेचता है अंकित मूल्य पर 20% और 25% की 2 क्रमिक छूट देता है, तो पहला छूट कितना का है, 20% का, 20% का फ्रैक्शन मतलब 1/5, तो 140 का 1/5 कितना हो जाएगा, 28, तो ये कितना बचा, 140 - 28 = 112। ठीक, 112। अब क्या बोल रहा है कि दूसरा छूट कितना का दिया, 25% का, 25% का फ्रैक्शन 1/4 मतलब 112 का 1/4 कितना होगा, 4 × 8, चलिए 32, फिर से 28, तो एक फिर से 28 का छूट दिया 112 में से 28 का। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 84, 12 में से 8 गया 4, 10 में से 2 गया 8, मतलब 84% पर बेचा वो फाइनल। तो बोल क्या रहा है कि उसे ₹140 की हानि हुई, हानि जो होता है वो कॉस्ट प्राइस से होता है, कॉस्ट प्राइस इसका 100 था और इसको बेचा इसने 84 में, तो लॉस कितना हुआ, लॉस हो गया 16% का, और 16% बराबर कितना दिया हुआ है, 140। तो वस्तु का आपको क्रय मूल्य पूछा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 100% निकाल लेंगे, 16% = 140, 1% = 140/16, इसलिए 100% बराबर 4 × 16
चार चौके 16, ठीक, 25 चौके 100, फिर 4 से ये 35, 35 गुना 25 कर लीजिए तो 35 700 और 350 का 175, 875 आएगा, ठीक, ऑप्शन डी। कोई डाउट किसी को? 8 नंबर प्रश्न का आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, QR इक्वल टू 16.8 सेंटीमीटर, RS इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और PS इक्वल टू 25.2 सेंटीमीटर, PR बाइसेक्ट QS, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। ये देखिए, ये 2018 के लगभग में पहला बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन का इतना बार पूछा गया है ना, तो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट आप जरूर याद रखिए। फिगर थोड़ा सा बड़ा पा रही है, थोड़ा साफ सुथरा पा रही है, ताकि आपको समझ में आए, आप खुद के फिगर में खुद कन्फ्यूज हो जाएंगे अगर जो छोटा पा रहे हैं। तो बोल रहा है कि PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो सबसे पहले हम एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं। PQRS, PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, आपको PQ दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, QR दिया हुआ है 16.8 सेंटीमीटर, RS दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, RS हो गया 14 सेंटीमीटर और PS दिया हुआ है 25.2 सेंटीमीटर, तो PS हो गया 25.2 सेंटीमीटर, ठीक। बोल क्या रहा है कि PR QS को समद्विभाजित करता है, PR जो है QS को समद्विभाजित करता है, मतलब QS जो है दो पार्ट में बट गया, ठीक। तो X का मूल्य क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन में एक चीज याद रखिएगा कि जैसे जो वाला जो जो विकर्ण, एक विकर्ण अगर जो चक्रीय चतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को काटता है दो बराबर भागों में, ठीक, समद्विभाजित करता है, तो जिसका मतलब कि जो समद्विभाजित हुआ है ना, इसके लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला भुजा का गुना, मतलब कि पी एस गुने पी आर इक्वल टू ये जो बटा इसके लेफ्ट और राइट देख लीजिए इक्वल टू पी क्यू गुने आर क्यू, ये बराबर होता है। ये तरीका यही है, तरीका ये समझिए कि जो भुजा दो भाग में कट रहा है, जो विकर्ण दो भाग में बटा, तो उस विकर्ण के लेफ्ट और राइट वाला भुजा, इस विकर्ण के लेफ्ट और राइट वाला भुजा, ठीक, ये दोनों का गुणनफल जो है वो बराबर होगा। तो यहां से आप कर सकते हैं PS इक्वल टू इंटू पी आर, तो PS कितना है 25.2 गुने पी आर कितना है 14, PS इंटू पी आर नहीं, PS इंटू SR, SR कितना है 14, और इधर क्या PQX गुने RQ कितना 16.8, तो इसको काटिए, तो ये 8.4 से अगर जो काटेंगे तो 8.4 गुने 2, तो ये 8.4 गुने 3, 2 से ये 7 मरतबे में कट जाएगा, तो एक से कितना कितना हो गया 7 किया 21, ठीक है, ऑप्शन बी क्लियर है। आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी विकर्ण दो भाग में बटा है, अगर ये दोनों बटा है तो इसके लेफ्ट राइट वाला, अगर जो बोलता कि एस क्यू जो है पी आर को बांट रहा है, ये दोनों बट रहा है, तो इसके लेफ्ट राइट वाले का गुणनफल इसके लेफ्ट राइट वाले गुणनफल के बराबर होगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, अलजेब्रा का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है 4x² + y² = 40, xy = 6, देन 2x + y = ठीक। तो आप इसको 4x² को ये नहीं कर सकते हैं कि 2x का होल स्क्वायर लग रहा है, ये y स्क्वायर लग रहा है, जब a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया तो अपने मन से 2xy ले लीजिए, 2ab ले लिया हमने, बराबर ये कितना 40, अब ये इधर जोड़े हैं तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, कितना है ये 4xy, तो 4xy इधर भी जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो गया 2x + y का होल स्क्वायर इक्वल टू 40 + 4xy, xy का वैल्यू आपको 6 दिया हुआ है, तो 4xy 6 चौका 24, तो ये 2x + y का होल स्क्वायर क्या आ गया 40 + 24 64, तो यहाँ से 2x + y क्या आ जाएगा 64√8 बराबर 8, ऑप्शन ए, ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत आते हैं और इसलिए मैं थोड़ा सा रिपीट भी कर देता हूँ हर सेट में। 11 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, बोल क्या रहा है कि समान क्षमता की दो बोतलें क्रमशः 35% और 33.2% संतरे के रस से भरी हुई है और अब इन्हें सेब के रस से पूरी तरह भर दिया जाता है, फिर दोनों बोतल की सामग्री को दूसरे बर्तन में खाली कर दिया जाता है, मिश्रण में सेब के रस का प्रतिशत क्या है, ठीक, एलिगेशन का प्रश्न है। आप इसको दो टाइप से बना सकते हैं,
बेसिक समझिए कि दो बोतल है, इसका क्षमता सेम है, इसमें क्या है कि 35% संतरा का रस है और इसमें 33.1/3% संतरा का रस है, ठीक। तो आप एक चीज समझिए कि अगर जो आप इसको बेसिक से बनाएंगे तो एक ऐसा मान लीजिए ना, इसका जो है बर्तन का क्षमता इतना मान लीजिए जो कि उसका 35% भी निकाले तो इंटीजर आए, और 30.1/3 मतलब क्या हुआ, 1/3 निकालना है तो 1/3 भी निकाले तो इंटीजर आए, ठीक। तो अगर जो आप 130 मान ले तो 1/3 इंटीजर आ जाएगा, 130 का अगर जो 120 मान ले और 120 का अगर जो 35% लेंगे तो वो भी इंटीजर आ जाएगा। तो मान लीजिए कि इसकी क्षमता 120 है, तो 120 लीटर अगर जो क्षमता है तो इसमें 35% पानी, 35% संतरे का रस है, मतलब कितना संतरा का रस है, 35%, तो 12 × 36, 30% 36 हो गया और 5% 6, मतलब 42 संतरे का रस है, 42 लीटर, और इसमें कितना 1/3 मतलब 40 लीटर संतरे का रस है। अब बोल क्या रहा है कि दोनों बोतल की सामग्री को एक बड़े बोतल में खाली किया गया, बड़े बोतल में खाली किया गया, इसमें डाला गया और मिस सामग्री को दूसरे बर्तन में खाली कर दिया गया। देखिए एक चीज और, ये संतरे के रस से भरा हुआ था 35% और बाकी इसमें सेब का रस है, और इसमें भी 33.1/3 के बाद बाकी सेब का रस है, मतलब इसमें दोनों को अगर एक में खाली करेंगे तो संतरे का रस कितना हो गया, 42 लीटर प्लस 40 लीटर 82 लीटर, और बाकी जो 240 में से 82 माइनस हुआ तो ये जो 158 लीटर आएगा ये सेब का रस हो गया। तो बोल क्या रहा है कि मिश्रण में सेब के रस का प्रतिशत क्या है, तो सेब का रस कितना है 158 लीटर डिवाइडेड बाय मिश्रण कितना है 240 लीटर इंटू 100, यहां से परसेंटेज निकाल लीजिए, ये सुनना से सुनना, 6 से कटेगा, 6 दूना 12, 6 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 2 से काट लीजिए, 2 से 12, 2 से ये कितना हो गया 7 और 2 × 9 = 18, 7 × 9, ठीक। तो ये कितना हो गया, फिर से इसको 5 से काटिए, इसको 6 से काटिए, ये 7 × 9 × 5 395 होगा डिवाइडेड बाई 6, तो 6 × 6 = 36, 35, 6 × 5 = 30, पूर्णांक 5/6, 65 × 5/6 ऑप्शन है। देखिए मिश्रण से अगर जो बनाते हैं तो दोनों जो बोतल है उसका क्षमता तो सेम दिया हुआ है, मतलब इसका क्वांटिटी का रेशियो जो है वो कितना में आएगा, 1:1 के रेशियो में, ठीक। तो अगर पहला बोतल में 35% सेव का रस है, दूसरा बोतल में 33.1/3 मतलब कि 100/3% सेव का रस है, तो दोनों को जब मिलाएंगे तो इफेक्टिव जो आएगा एक्स मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 35 − x, और ये कितना हो जाएगा x − 100/3, तो इन दोनों का रेशियो बराबर है, मतलब ये बराबर है, ये बराबर है, तो यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिए, x + x 2x = 35 + 100/3, ये कितना हो जाएगा 35 × 105 = 205/3, मतलब x का वैल्यू क्या आ गया 205/3 × 6, 205/6% आ गया। मिश्रण में 205/6% किसका रस है, संतरे का रस, तो सेब का रस कितना हो जाएगा 100 − 205/6, तो ये कितना हो गया 600 − 205 मतलब कि 395/6 सेम। तो आप एलिगेशन से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो बेसिक आप मेथड लगा सकते हैं, आपको जो दोनों में पसंद आए आप दोनों में से वो दोनों मेथड बनाइए। चलिए ठीक है, तो आज का क्लास ये इतना ही था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, CHSL के लिए 7 AM का टाइम है, CGL के लिए 10 PM का टाइम है, तो आप हमसे जुड़िए, और ये जो मैं क्लासेस लेता हूँ इसका PDF या फिर क्लासेस से रिलेटेड अन कोई अपडेट, रैंकर्स मैथ मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं उस पर डाल देता हूँ, तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं हमसे, और किसी भी तरह का किसी को कोई भी डाउट हो तो आप रैंकर्स मैथ चैनल के टेलीग्राम चैनल पे आइए, वहाँ मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, मैं पर्सनली भी रिप्लाई करूँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे 7 AM पे CHSL के साथ।